स्टूडेंट को डेरिवेटिव में अगर अभी कमांड नहीं है तो सिक्स चैप्टर या सेवन चैप्टर आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें ज्यादा रोल नहीं है, केवल इतना ही रोल है डेरिवेटिव का कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, प्रोडक्ट रूल क्या होगा चलो ये बता दो, क्वेश्चन टूल क्या होगा वो लगा दो, बस आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं सिक्स चैप्टर सेवन चैप्टर एट चैप्टर सभी चैप्टर्स में डेरिवेटिव का टच है। स्टार्टिंग जो बेसिक डेरिवेटिव होता है जो डेरिवेटिव की पहली दो या तीन क्लासेस में मैं पढ़ाता हूं बस उसका यूज होगा, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना, किसी तरह का कोई डिप्रेशन मत लाना, क्योंकि कुछ बच्चे तुम्हारे में से होमवर्क बहुत कम करते हैं या कुछ बच्चे हेरा फेरी करते हैं, कईयों ने हेरा फेरी काम में चोरी भी की है ना, तो जो बच्चे ईमानदारी से होमवर्क करते हैं उन्हें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, पर जो बच्चे बेईमान है वो उनका मोरल डाउन हो जाता है यस, या जो मेरे साथ साथ होमवर्क नहीं करते उनको दिक्कत आती है, जो भी बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ाई करते हैं उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी मैंने ये बात इसलिए बोली है ताकि तुम्हें कोई घबराहट ना हो किसी तरह की, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में डेरिवेटिव की डेरिवेटिव का केवल बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस। चलिए न्यू पेज, नया टॉपिक न्यू पेज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो लिखो आप सभी डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, ये सोचो राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक, कर दू बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक न्यू पेज से स्टार्ट करना, पैरामेट्रिक की स्पेलिंग बोर्ड पर देख लेना बच्चों पी ए आर ए एम ई टी आर आई सी, पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या होते हैं वो अभी आप सुनोगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस टी, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, ऐसे क्वेश्चंस आपको पैरामेट्रिक में मिलेंगे जिसमें दो इक्वेशंस होंगी और डेफिनेशन लिख लो पैरामेट्रिक की, पहले समझ लो फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, कोई नहीं पूछता, पहले समझ लो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक्स है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में वाई है, राइट हैंड साइड में यहां भी टी है और यहां भी टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग होंगे, जो राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स हैं वो सेम होंगे, तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस, तो अपनी लैंग्वेज में नोट करो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स आर डिफरेंट बट राइट हैंड साइड वेरिएबल्स आर सेम कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस, देखो बच्चों जल्दी से फास्ट बच्चों जल्दी लिखो, क्या फिर बोलू मैं, लेफ्ट हैंड साइड के जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग होंगे जैसे x और y है, बट राइट हैंड साइड के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है बच्चों, देखो राइट साइड में t है, ऐसी इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं, राइट हैंड साइड में थीटा भी हो सकता है बच्चों, यहां पर थीटा भी हो सकते हैं यहां भी थीटा हो सकते हैं, तो ऐसे इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं, तो सबसे पहले आसान है बच्चों कैसे करना है इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टी, यस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx बाय dt साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों कॉस टी और एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा वन, ठीक है, ऐसे बच्चों dy बाय dt इज इक्वल टू कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन टी और एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा वन, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से आप डिवाइड कर दो बच्चों, डिवाइड
वन बाय टू, इक्वेशन वन को आप इक्वेशन टू से डिवाइड कर दो तो देखो बच्चों डीवाई बाय डीटी ऊपर आएगा, डीएक्स बाय डीटी नीचे आएगा, माइनस साइन टी यहां पर होगा, फिर कॉस टी होगा, राइट बच्चों, डीटी से डीटी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू माइनस टेन टी, ये आपका आंसर आ गया। एनी डाउट, समझ गए होंगे आप सभी कि डीवाई बाय डीएक्स कैसे आया, जल्दी से आप इसको नोट कर लो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे करवाऊंगा, जल्दी से इसको नोट करो बच्चों। ओन ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर थीटा इंटू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए बच्चों शुरू हो जाओ, फाइंड डीवाई बाय डीएक्स, जल्दी से बच्चों फाइंड डीवाई बाय डीएक्स, याद रखना थीटा वेरिएबल है, याद रखना बच्चों थीटा वेरिएबल है, गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो स्टार्ट करो, थीटा वेरिएबल है बच्चों, जैसे टी था ना ऐसे थीटा है बच्चों। गुड रोनित, मैं यही सुनना चाहता था कि बच्चों पहला स्टेप प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मैंने हिंट भी दिया था थीटा वेरिएबल है तो दो फंक्शन बच्चों मल्टीप्लाई में है, तो पहला स्टेप बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है, dx by d थीटा फर्स्ट एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा, प्लस साइन थीटा एज इट इज e रेज़ टू पावर थीटा का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर थीटा, क्लियर। ऐसे बच्चों सभी जल्दी से dy / d थीटा निकालें और फिर आप उसके बाद डिवाइड कर देना बच्चों, जल्दी करो। अभी देखते हैं, हाँ बच्चों ठीक है, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। तनिषा मेरी आवाज आ रही है क्या, तनिषा मेरी आवाज सुन रही है, बच्चों तुम्हारा तो ऑफलाइन में आ जाना बहुत जरूरी है क्योंकि पता नहीं चल पा रहा मुझे कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों मैं कर दूं बच्चों नेक्स्ट है, यहां लगाओ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा एज इट इज ई रेज़ टू पावर थीटा, ठीक है, तो यहां से ई रेज़ टू पावर थीटा कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से भी ई रेज़ टू पावर थीटा कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू, डिवाइड डिवाइड वन बाय टू, तो डीवाई बाय डी थीटा ऊपर आएगा, डीएक्स बाय डी थीटा नीचे जाएगा, ई रेज़ टू पावर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ई रेज़ टू पावर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। याद करो बच्चों मैंने आपको एक खास स्टेप बताया था कि जैसे ही आपको ये वाली शक्ल दिखाई देगी आपको एक खास स्टेप करना है और वो खास स्टेप क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। इसकी शक्ल को अच्छी तरह से देख लो बच्चों, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, यस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10। चलिए बताइए 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, वंश को छोड़कर, वंश नहीं बोलेगा, शाश्वत पीयूष, यस पीयूष, क्या पीयूष मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 किसी का फॉर्मूला होता है, चल शाश्वत जल्दी बोल, शाश्वत बेटे एग्जैक्ट फॉर्मूला बता मुझे, ये किसी का हाँ हाँ रोनित बोल बोल, प्लस एक्स नहीं माइनस, यस यस हाँ वेरी गुड,
टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा, टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा। यस बच्चों, वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लो आप। यस गुड डाउट, जल्दी से नोट डाउन, आपको अभी सोल्व करना है क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर थीटा इंटू थीटा प्लस वन बाय थीटा, थीटा वेरिएबल है बच्चों, राइट, ई रेस्ट पावर माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस वन बाय थीटा, आपको प्रूव करना है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस टू थीटा, ब्रैकेट में है वन प्लस थीटा स्क्वायर माइनस थीटा क्यूब, नीचे है थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस वन, ये प्रूव करने हैं। आपके पास दो मिनट का टाइम है, याद रखना थीटा को ऐसे समझो जैसे एक्स हम लेते हैं, जैसे हम टी लेते हैं, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट टू लगाओगे, यहाँ भी प्रोडक्ट टू लगाओगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों, जल्दी से आंसर ला कर दो। यस कर सकते हो बच्चों तुम, आंसर आ गया श्रेया बेटी, बेटे अब तक तो आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट टू लगाना है बस तूने, और टेस्ट में भी तूने श्रेया गुप्ता तैयारी अच्छी नहीं की थी, अपनी मिस्टेक को पकड़। हाँ बच्चों, दीपांशु, दीपांशु मेरी आवाज सुन रहे क्या, दीपांशु बताओ बच्चों, पीयूष आंसर आया नहीं आया, दीपांशु आंसर आ गया, रोनित आंसर नहीं आया, रोनित आंसर आया नहीं आया, रोनित दीपांशु, हाँ कर बेटे कर, मुश्किल नहीं है, दीपांशु जल्दी बता मुझे, दीपांशु आंसर आया भाई नहीं आया, दीपांशु बेटे जल्दी बोल, सर डन, ओके सर मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा, पीयूष कह रहे हैं, तो बेटे अगर मेरी आवाज आ रही है तो ट्यूजडे को आ जा पापा से बच्चों कंसेंट्रेटर लेकर, जो मैथ्स की क्लास में अलाउड हो बस, मैथ्स की क्लास में आ सकते हो अभी, अकाउंट्स में नहीं, मैथ्स की क्लास में तुम आ सकते हो अपने मम्मी डैडी की परमिशन लेकर, अकाउंट्स में 25 जून के बाद, अभी नहीं। यस बच्चों, मुझे दो वैक्सीन लग चुकी हैं। कंसेंट लेटर लेकर आ सकते हो, मेरे सामने चेयर्स खाली पड़ी हैं, बैठ सकते हो, खाने पीने की चीजें भी ले आना, बल्कि तुम भी खाना मुझे भी खिलाना, चलो बहुत टाइम हो गया बच्चों पार्टी किए हुए, है ना, चलिए खैर मैं करता हूं बच्चों, ओके बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं, राइट, तो सबसे पहले जिस बच्चे का आंसर टैली नहीं हुआ बच्चों बोर्ड पर देखना, ट्रिपल टी लगा दो बच्चों इस क्वेश्चन पर, ट्रिपल टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लगाता हूं मैं, सबसे पहले आप dx by d थीटा प्रोडक्ट टू लगाओ बच्चों, e रेस्ट टू पावर थीटा एज इट इज, आप थीटा को ऐसे समझो ना जैसे x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1, तो थीटा का डेरिवेटिव भी क्या होगा 1, क्योंकि आप इस पर टू थीटा ही तो कर रहे हो, तो जब भी कंफ्यूजन हो ना आप उसको एक्स मानकर चलो, क्योंकि एक्स से बच्चों को आदत होती है आंसर लिखने की, ठीक है, तो मान लो यहाँ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव 1 लिखोगे ना तो थीटा का डेरिवेटिव भी 1 होगा, उसमें क्या घबराना, 1, अब बताओ 1 बाय एक्स, याद करो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर पावर को लगाओगे एक्स को ऊपर लेकर जाओगे, एक्स की पावर माइनस 1, फिर माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो 1 बाय थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाय थीटा एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर थीटा, मैंने बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाया, यस प्रोडक्ट रूल बच्चों, ऐसे बच्चों यहां पर लगाओ dy / dθ e रेस्ट टू पावर माइनस थीटा
थीटा का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, वन, और वन बाय थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन बाय थीटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ना बच्चों, और प्लस थीटा माइनस वन बाय थीटा ई रिस्ट पावर माइनस थीटा एज इट इज। बताओ ई रिस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते थे, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन। अब यहां से ई रिस्ट पावर माइनस थीटा कॉमन ले लो, वन प्लस वन बाय थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस वन बाय थीटा, एलसीएम ले लो बच्चों, ई रिस्ट पावर माइनस थीटा एलसीएम आएगा थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर प्लस वन माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा, और नीचे आएगा थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। एनी डाउट बच्चों, यहां पर ई रिस्ट पावर थीटा कॉमन ले लो, वन माइनस वन बाय थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस वन बाय थीटा, एलसीएम ले लो आप, थीटा स्क्वायर माइनस वन प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा, और नीचे थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। राइट बच्चों, डिवाइड वन बाय टू, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दो, तो dy by dx इज इक्वल टू e रिस्ट टू पावर माइनस थीटा थीटा स्क्वायर प्लस वन माइनस थीटा क्यूब, और नीचे बच्चों e रिस्ट टू पावर थीटा थीटा स्क्वायर माइनस वन प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा। देखो बच्चों आपका आंसर आ चुके हैं, यस बच्चों आप टैली करो, इस आंसर से टैली करो बच्चों, आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखो ये बेस बच्चों ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ई रिस्ट पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू थीटा, और इनटू में देखो आपके पास वन प्लस थीटा स्क्वायर, और नीचे बच्चों देख लो आप थीटा क्यू प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस वन, हेंस प्रूफ। यस बच्चों, तो हेंस प्रूफ आप देख सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो सभी बच्चे, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने बच्चों होमवर्क में एक क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, इसकी असाइनमेंट पहले से तैयार है, होमवर्क में एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन मैं लिख रहा हूँ, और वो मैं लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू लॉग टेन थीटा बाय टू, लॉग टेन थीटा बाय टू। देखते हैं बच्चों किसका डेरिवेटिव कौन मैक्सिमम सोल्व करते हैं, डीएस जो मैक्सिमम सोल्व करेगा मैं उसको आज ही गोलगप्पे खिलाऊंगा। यस, आ जाना मेरे पास अभी क्लास के बाद, 30 रुपीज से गोलगप्पे आते हैं, अभी आज ही खिलाऊंगा। यस चलो बच्चों, इसका डेरिवेटिव करो, लॉग टेन थीटा बाय टू का डेरिवेटिव, लॉग टेन थीटा बाय टू का डेरिवेटिव करो जल्दी से। मैं आंसर लिख देता हूं, आंसर मुझे चाहिए dx by d थीटा इज इक्वल टू टू cosec थीटा, मुझे ये आंसर चाहिए बच्चों, dx by d थीटा इज इक्वल टू टू cosec थीटा। यस बच्चों, तो काफी बच्चों ने ये आंसर ले आ चुके हैं, कई बच्चों का x is equal to log tan theta by 2, और ये मैं प्रूव करना था dx by d theta is equal to 2 cosec theta, कई बच्चों का ये आंसर आ चुका है, तो कैसे आएगा चलिए बोर्ड पर देखते हैं सभी बच्चे। वेरी गुड बेटे शाश्वत, वेरी गुड वंश, आ गया आंसर तेरा, तो आ ही गया था, दीपांशु आ गया, वेरी गुड। तनिषा जरा मुझे मैसेज से रिप्लाई कर, क्या मेरी आवाज आ गई तेरे पास तनिषा, यस और नो में मैसेज कर। ओके शायद हाँ बच्चों, देखो अब इधर लॉग टेन थीटा बाय टू, लॉग के साथ जो भी है वो नीचे आएगा,
याद करो मेरे स्टेप्स, मेरे डायलॉग्स। लॉग के साथ जो भी है वो नीचे आएगा, और जो नीचे आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा। ओके बेटे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बच्चों, लॉग के साथ जो भी है वो नीचे आएगा, और जो नीचे आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव। मेरा डायलॉग याद रखना बच्चों। तो टैन का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा बाय 2, और एंगल में थीटा बाय 2 है बच्चों, तो थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2। अब आप tan थीटा बाय 2 को लिखो sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और sec स्क्वायर को लिखोगे आप cos स्क्वायर थीटा बाय 2 into 1/2। ठीक है, अब आप a cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। याद करो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 को आप लिखोगे sin थीटा। तो बच्चों मैंने गलत लिखा था ना? यस बच्चों, मैंने ही गलत लिखा था, यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए। अरे बस यार बस, तुम सबके गोलगप्पे खत्म, किसी को गोलगप्पे नहीं खिलाने वाला। कैसे तुमने बोल दिया आंसर आ गया? हाँ, अब सभी बोलेंगे अरविंद शर्म आनी चाहिए। अरविंद तुझे, तूने क्यों नहीं बोला कि यहाँ पर 2 नहीं आएगा? बोला नहीं, जो भी है गोलगप्पे खत्म तेरे। चलो जल्दी से नोट कर लो बच्चों, वहां पर 2 नहीं आएगा बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, ये होमवर्क का एक पार्ट है। यस, फटाफट नोट कर लो बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके रेडी स्टडी बच्चों, इधर देखो आप सभी, कुछ बच्चे मम्मी के पास भाग गए हैं, जल्दी आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। हाँ बच्चों, डिफरेंशिएट, बोर्ड पर देखना बच्चों, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 2x अपॉन 1-x पर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x पर। आप देखो स्पेशल क्वेश्चन है ये, ट्रिपल टी लगाओ। जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं बोर्ड पर, बच्चों जल्दी से देखो सभी स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट tan इनवर्स, यस बच्चों, डिफरेंशिएट tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स, डिफरेंशिएट tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं लिख लो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। अब तुम कहोगे सर ये पैरामीट्रिक कैसे हैं? अब ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको लेट कर लूं y, इसको लेट कर लूं y, और इसको मैं लेट कर लूं बच्चों z, तो अब पढ़ो बच्चों क्या बन गया, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। अब पढ़ो बच्चों इसको, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, ये बन गया ना। तो चलिए मुझे अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट, अब मुझे निकालना क्या है फिर बच्चों, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dy by dz। समझ आया बच्चों क्वेश्चन क्या था? डिफरेंशिएट tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू sin इनवर्स, और इसको मैंने y ले लिया, इसको मैंने z ले लिया, फाइंड डी वाई बाई डी जेड। ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे आपको। अब बच्चों क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1-x स्क्वायर, z इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1+x स्क्वायर। अब बोर्ड पर देखना बच्चों सभी,
अब ध्यान से देखो ये पैरामेट्रिक है या नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स अलग अलग हैं और राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स सेम है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। तो लिख लो दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन करना है बच्चों, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आप दोनों में गृहस्थ में लिख लेना, दोनों में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, सेम भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों में आप अलग अलग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ये बात रजिस्टर में लिख लो। बाय चांस इस क्वेश्चन में, बाय चांस इस क्वेश्चन में x की वैल्यू मैं यहां भी tan थीटा पुट करूंगा और यहां भी tan थीटा पुट करूंगा। यस, आप जो अच्छे बच्चे हैं उनको पता चल गया होगा कि x की वैल्यू में tan थीटा क्यों पुट कर रहा हूं, पर रजिस्टर में लिख लो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो आप लेफ्ट पे पुट करोगे वो राइट पे पुट करोगे, ये बातें लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख लो सारी बातें। अब जो अच्छे बच्चे हैं उनको पता चल गया है कि मैं क्यों पुट कर रहा हूं, जब मैं x को tan थीटा पुट करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा tan 2 थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख लो, यस लिख लो बच्चों जल्दी से फॉर्मूले, लिख लो x की वैल्यू आप पुट कर दो tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, tan 2 थीटा का। और बच्चों z इज इक्वल टू sin इनवर्स, जब यहां पर x की वैल्यू tan थीटा पुट करोगे तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। sin इनवर्स और sin कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा और z इज इक्वल टू यहां से भी 2 थीटा आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे, यहां पर dy by d थीटा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। यहां पर dz by d थीटा, यहां पर भी 2 आ गया इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड 1 by 2, यस बच्चों डिवाइड 1 by 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, dy by d थीटा ऊपर आएगा और dx by d थीटा नीचे आएगा, तो 2 by 2, 2 by 2 क्या होता है 1, तो dy by dx, dy by dz आएगा ना, dy by dz आ गया बच्चों 1, तो आपका आंसर आ गया dy by dz is equal to 1। कोई डाउट, एक बार सारे स्टेप्स देख लो, जल्दी से नोट कर लो इसको, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ बच्चों, कुछ भी पूछने है तो अभी बताओ। यस वीडियो ओके बच्चों, अब देखना बच्चों आप इस पूरी स्टोरी के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट देखना बच्चों, यहां पर देखो आप ध्यान से, अरे इससे ऊपर वाला स्टेप यार, इससे ऊपर वाला स्टेप क्या था, y is equal to 2 theta, z is equal to 2 theta, yes, तो y is equal to 2 theta आ गया था आपके पास, z is equal to 2 theta आ गया था, ठीक है। अब स्टोरी में ट्विस्ट देखना बच्चों, तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा। अपनी दोनों आंखों से देखो, ये ट्विस्ट केवल इस क्वेश्चन में है जहां पर आप x की वैल्यू दोनों तरफ सेम पुट कर रहे हो, tan थीटा उधर भी tan थीटा, राइट, तब ये केवल ट्विस्ट तभी आएगा। देखो बच्चों यहां 2 थीटा है यहां भी 2 थीटा है, तो क्यों ना बच्चों आप 2 थीटा की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्टरनेटिव लिख लो बच्चों, y is equal to z, differentiate it with respect to z, तो dy by dz is equal to 1। लो बच्चों आंसर आ गया, तो कैसा लगा बच्चों ये ट्विस्ट, कैसा लगा, 2 थीटा की वैल्यू z बनी, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, y is equal to z आ गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, dy by dz is equal to 1, लेकिन ये ट्विस्ट सभी क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा,
ये वहां मिलेगा जहां x की वैल्यू आप सेम पुट करते हो, वहां इस तरह की हेराफेरी कर सकते हो आप। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ बच्चों। किसी बच्चे ने कुछ पूछने हैं? यस बच्चों, वीडियो ऑन। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जांपल 37, x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 a रेज टू पावर 2/3, सभी की पावर 2/3 है। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 a रेज टू पावर 2/3। जब आप इस एग्जांपल को एनसीईआरटी में देखोगे, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी अभी है तो एग्जांपल 37 देखो और उसका सॉल्यूशन देखो जल्दी से, अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी है तो। देखो बच्चों उसका सॉल्यूशन। एग्जांपल 37, क्या उसका सॉल्यूशन मिल गया? क्या कुछ बच्चे देख रहे हैं? किस किस के पास एनसीईआरटी है बच्चों, जल्दी बताओ। अभी एनसीईआरटी है? हाँ, तो देख बेटे एग्जांपल 37, जल्दी देख। डेरिवेटिव के अंदर लास्ट एग्जांपल की काउंटिंग करता चल, लास्ट में मिलेगा तुझे। मिल गया एग्जांपल 37, पेज नंबर बता कौन सा है। 180 है बेटे, 180 एग्जांपल 37 पेज नंबर 180। क्या किसी और बच्चे के पास एनसीईआरटी है? क्या किसी और के पास अभी है बच्चों? Yes, sir. देखो देखो जल्दी देखो, पेज 180 पर एग्जांपल 37, पेज 180 पर एग्जांपल 37। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर को क्या हो गया, इससे अच्छा क्वेश्चन थी मैं तो क्वेश्चन करवा ही देते सर। अरे बच्चों मेरी हर बात में कोई ना कोई स्टोरी होती है। पेज 180। चलिए, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है और जो देख रहे हैं वो उसका सॉल्यूशन भी देख ले। देख लिया सॉल्यूशन जिनके पास एनसीईआरटी है? आंसर बताओ क्या है बच्चों? ओके राइट, सॉल्यूशन पढ़ लिया बच्चों, इसका सॉल्यूशन काट दो, लिखो हाउ स्टूपिड, राइट डाउन सभी बच्चे एग्जांपल 37 के सॉल्यूशन पर लिखें बड़ा बड़ा हाउ स्टूपिड। यस बच्चों, एनसीईआरटी में बच्चे मेरा दिमाग खराब करते हैं, मार जब तक तुम्हारा फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता अपनी एनसीईआरटी में लिखो काट दो हाउ स्टूपिड। पता है बच्चे रिवीजन करते हैं ना, सर ये स्टेप कैसे आया, सर ये स्टेप क्यों लिया इन्होंने। अरे भाई जब मैंने अपने रजिस्टर में इसका शॉर्टकट मेथड करवा रखा है, इसका आसान मेथड करवा रखा है, मुझे मुश्किल रास्ते पर क्यों डाल रहे हो भाई तुम लोग। ओ सर देखा नहीं हमने रजिस्टर में, भाई क्यों नहीं देखा, सर रजिस्टर को कौन ढूंढेगा, ये बातें बच्चे करते हैं कि सर रजिस्टर कौन उठाएगा, वो एनसीईआरटी से रिवाइज करते हैं और फिर मेरा सिर खाते हैं। तो सॉल्यूशन पे बड़ा बड़ा लिखो हाउ स्टूपिड, लिख दिया बच्चों सभी ने? ओके, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है लिख लेना, फिर रिवीजन करोगे जब भी एनसीईआरटी से रिवीजन करोगे और फिर वो सॉल्यूशन पढ़ोगे, फिर मेरे पास आ जाओगे, फिर मैं मारूंगा थप्पड़, फिर बोलूंगा रजिस्टर में देख भाई, तुम लोगों से रजिस्टर पता नहीं मम्मी ने कहा रखती है। देखना बच्चों आप, दो लाइनों में आंसर, दो लाइन में आंसर आएगा बच्चों। यस, मैं क्या करूंगा, मैं कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करूंगा, उन्होंने एक्स की वैल्यू पुट करी है, वाई की वैल्यू पुट करी है, पागल हो गए वो, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा। उन्होंने फाइंड डिवाइड बाय डीएक्स बोला ना, उन्होंने ये तो नहीं बोला ना किस मेथड से करो, फाइंड डिवाइड बाय डीएक्स है, मेरी मर्जी में जिससे मर्जी करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यस, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की पावर 2/3 लगा दो पावर रूल,
यस बच्चों पावर रूल लगा दो, 2 बाय 3 एक्स की पावर 2 बाय 3 माइनस 1 माइनस 1 बाय 3 2 बाय 3 माइनस 1 माइनस 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3 वाई रेस्ट पावर 2 बाय 3 माइनस 1 माइनस 1 बाय 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। बताओ बच्चों डी वाई बाय डी एक्स क्यों आया, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स होगा इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर 2 बाय 3 का डेरिवेटिव। कौन बताएगा ए रेस्ट पावर 2 बाय 3 का डेरिवेटिव कौन बताएगा? दीपांशु बताएगा मुझे। अरे नहीं यार शाश्वत, शाश्वत पक्का लॉक कर दू? चलिए बच्चों ये समझदार बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। तो ए रेस्ट पावर 2 बाय 3 पर अगर ऑफलाइन में बैठे होते ना मैं दिखाता कितने बच्चे पावर रूल लगाते हैं। डेरिवेटिव खत्म होने वाला है अभी भी पावर रूल लगाएंगे। भाई कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। अब ले जाओ बच्चों इसको उठाकर उधर ले जाओ। चलिए बच्चों 2 बाय 3 वाई रेस्ट पावर माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3 एक्स की पावर माइनस 1 बाय 3। 2 बाय 3 से 2 बाय 3 उड़ा दो, इसको नीचे ले जाओ बच्चों, इसको नीचे ले जाओ तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस 1 बाय 3 और नीचे वाई रेस टू पावर माइनस 1 बाय 3। अब आप बच्चों माइनस पावर है, अगर आप इसको प्लस करना चाहते हो तो पलट दो, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? माइनस वाई रेस टू पावर 1 बाय 3, वाई ऊपर और एक्स नीचे। और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो माइनस वाई बाय एक्स की पावर 1 बाय 3, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूब रूट। तो बताओ बच्चों अब सॉल्यूशन देख लो, जिनके पास एनसीईआरटी है वो सॉल्यूशन देखे और मेरे वाला काम देखे, ठीक है ना बच्चों? तो मेरा काम बहुत आसान है ना, तो क्लैपिंग होनी चाहिए ना बच्चों मेरे लिए, राइट? अरे कर दो यार, कभी कभी तारीफ कर दिया करो है। चलो ओके बच्चों बाय 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 बच्चों बाय, क्लास ओवर, होमवर्क मिलेगा तुम्हें, ठीक है, बाय बाय।